Every detail of BDS. BDS का जो फीस अराउंड है, around आपका है 20 to 25 lakhs. क्या वो पैसा पैसा वसूल होगा? अगर आप आप से लोन ले, 201 surety देता हूं कि उससे चार गुना कमाओगे. करके बहुत कमाल अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली हेल्प कर पाओगे साठ हजार सत्तर हजार एक लाख डेढ़ लाख दो लाख ढाई लाख जी हाँ कोई लिमिट नहीं है BDS ये सोचे कर रहे हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी तो भूल जाइए हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दिस इज साइडेंटल व्लॉग्स तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एडमिशन का टाइम आ गया है और काफी लोग कंफ्यूज्ड हैं एमबीबीएस बीडीएस फार्मेसी एग्रीकल्चर पर्टिकुलरली हम बीडीएस के बारे में बात करेंगे एवरी डिटेल ऑफ बीडीएस कौन से सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से आप हैं क्या आपकी फंडिंग है इन सब चीजों के ऊपर भी बात करेंगे तो मैं खुद बीडीएस एमडीएस एस हूँ और मैंने अपना बीडीएस बालाजी कॉलेज से किया चेन्नई में उसका साल था 2002 से लेकर एंड फिर मैंने ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू पीजी क्लियर किया जिसमें मैंने जीडीसी एम से पीजी किया एमडीएस किया तीन साल के लिए जिन लोगों ने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैंने ये बताया तो मैं अभी प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस भुवनेश्वर में सबसे पहले बात करते हैं खर्चा सबसे पहले जो पेरेंट्स यही सोचते हैं ना कि कितना खर्चा आएगा तो देखिए इंडिया में बहुत टाइप ऑफ कॉलेजेस हैं आप जिस स्टेट से हैं आपको देखना पड़ेगा उस स्टेट में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है अगर आप अपने बेटा या बेटी या फिर जो भी स्टूडेंट अगर कोई सुन रहा है तो अपने एडमिशन करना चाहते हैं तो सो so, सबसे पहले हमको लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिसमें आपको एनआईआरएफ रैंकिंग देखनी पड़ेगी कौन से कॉलेज का क्या रैंक अच्छा अब जो टॉप कॉलेजेस है टॉप टेन या टॉप ट्वेंटी कॉलेज उनका लिस्ट आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा उसकी फीस आपको ऑनलाइन देखनी पड़ेगी उसकी फीस कॉलेज की कितनी है फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो आपके सैलरी या फिर आपके पेरेंट्स की सैलरी के साथ या फिर जो भी पैसे के साथ कंपेटेबल है कि नहीं ज्यादातर बीडीएस लोग इसलिए चूज करते हैं कि लोग एम करना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस की फीस बहुत ज्यादा है अफोर्डेबल नहीं होती है लोग तो सेकंड ऑप्शन बीडीएस में आते हैं तो यही मेन कारण होता है कि बीडीएस ज्वाइन करने का मेरा तो यही था मैंने ये पूरा क्लियर वीडियो आई एम टेलिंग मतलब कि इसमें कोई भी लुका छुपी वाली बात नहीं है बिल्कुल ओपन इट्स नॉट अ वीडियो इट्स लाइक जस्ट आई एम टॉकिंग टू यू तो सबसे पहले बीडीएस तो जो फीस है अराउंड आपका पड़ता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी किसी कॉलेज में फीस पांच लाख है किसी कॉलेज में आठ लाख है किसी कॉलेज में तीन लाख है तो डिपेंड करता है कि कॉलेज की रैंकिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है तो पहला एडवाइस मेरा टिप होगा कि ज्यादा सस्ते कॉलेज के पीछे मत जाए क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है और काफी कॉलेजेस और स्टूडेंट्स जो है सफर भी कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस फेक होते हैं और उसमें टीचर्स नहीं आते हैं तो कम फीस में करवा देते हैं मतलब कि आपकी जैसे कि सविता डेंटल कॉलेज में एग्जाम्पल ले रहा हूँ या फिर हमारा कॉलेज हो गया तो सविता में फीस एट एंड हाफ लैक्स है पर ईयर चार साल का बत्तीस लाख तैतीस लाख खर्चा है हमारे कॉलेज में फीस साढ़े पाँच लाख है पर ईयर जरूर कुछ बात है ना कॉलेज में इसलिए इतना फीस हाई है कॉलेज वाले भी खर्चा करते हैं सैलरी देते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स लाते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाते हैं मैं आईडीएस भुवनेश्वर में हूँ तो हमारे कॉलेज का रैंकिंग आई थिंक नाइन्थ है ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो सबसे पहले कॉलेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए ठीक है आप किसी घटिया कॉलेज में जाएंगे तो इट इज यूजलेस दूसरी चीज आएगी कि आपकी पढ़ाई कैसी है पढ़ाई टू पढ़ाईस है टिल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत देन वो थोड़ा बहुत पूरा पूरी सेपरेट हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा रहता है डेंटिस्ट्री में तो हाथ का ही काम रहता है तीसरा सवाल लोगों के मन में ये आता है कि आई एम नॉट गुड इन ड्रॉइंग और आर्ट मेरे से होगा कि नहीं मेरा हाथ कापता है ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब कि ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनका हाथ पूरा शेक करता था इंजेक्शन देने के टाइम पे पर वो अभी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं डेंटल प्रैक्टिस एक और डाउट आता है कि इसमें नौकरी कैसी है देखिए इस पॉइंट पे मैं पर्टिकुलर जोर देना चाहूंगा कि अगर आप बीडीएस ये सोचे कर रहे हैं कि आपको अच्छी नौकरी मिलेगी तो भूल जाइए नौकरी में ज्यादा पैसे नहीं है बीडीएस में क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज्यादा पैसे है तब तो आपके मन में आएगा नौकरी क्यों नहीं है नौकरी इसलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ज्यादातर हेल्थ के लिए ज्यादा ध्यान देती है जैसे कि बॉडी की पूरी टीथ के पर्टिकुलरली गवर्नमेंट उतना ध्यान नहीं देती है तो इसलिए ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकलती है डेंटल वैकेंसीज ठीक है और ज्यादा जाद से ज्यादा जैसे एक कोई सी एच सी है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या पप, या फिर पी एच सी है तो उसमें क्या होता है ना कि डॉक्टर रहते हैं पांच छे है, पर डेंटिस्ट एक रहता है तो डेंटिस्ट और डॉक्टर का रेशियो बहुत कम है डेंटिस्ट एक मतलब कि एक पर्टिकुलर एरिया के काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं ज़्यादातर लोग भी अनअवेयर हैं डेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादातर शहर में लोग ज़्यादा डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं गाँव में भी कराते हैं लेकिन ज़्यादातर निकलवाना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो इसलिए क्या है कि बी डी एस सेंस एक सस्ता ऑप्शन है देन एम बी बी एस फीस के हिसाब से तो बहुत लोगों ने बी डी एस कर ली तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सेचूरेट हो गया मार्केट तो बहुत ज़्यादा बी डी एस लोग घूम रहे हैं मार्केट में तो अब क्या हो गया कि लोग सब क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं और क्लिनिकल लोग अवेयर भी बहुत ज्यादा हो गए हैं पहले से डेंटिस्ट्री में ठीक है तो जितने साल आप प्रैक्टिस करेंगे जितना साल आप आ, अपने फील्ड में रहेंगे तो उतना एक्सपीरियंस होगा काफी लोग बी के बाद फार्मो को विजिलेंस में जा रहे हैं वो भी काफी अच्छी चीज़ है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जॉब्स भी होते हैं जैसे कैंसर हॉस्पिटल्स में केयर गिविंग होती है उसमें आपको बी के रिलेटेड काम नहीं करना होता है थोड़ा डिफरेंट है लेकिन जॉब ऑप्शंस है अगर किसी को प्योरली जॉब में जाना है या फिर कोई किसी रिसर्च लाइन में जाना चाहता है तो उसमें भी जा सकता है क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एमडीएस करना जरूरी है कि नहीं ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है आप बीडीएस करके ही सब काम कर सकते हैं मैं तो सारा एमडीएस मैंने ओरल मेडिसिन एंड रेडोलॉजी में किया है जिसका ओरल का प्रैक्टिस मैं पर्टिकुलरली एक क्लिनिक में करता हूँ पर्टिकुलरली उसी चीज का और एक और मेरा क्लिनिक है जिसमें सिर्फ डेंटल रिलेटेड रूट कैनाल्स जो भी इम्प्लांट्स टीथ निकालना रिम्यूबल पार्शल डेंचर्स फिक्स पार्शियल डेंचर्स ये सब में एक क्लिनिक में करता है आप कितना पैसा कमा सकते हैं आप जो 25 लाख 30 लाख खर्चा कर रहे हैं 35 खर्चा कर दिया आपने क्या वो पैसा वसूल होगा अगर आप बैंक से लोन ले ये मैं आपको टू हंड्रेड श्योरिटी देता हूँ कि उससे ट्रिपल चार गुना पैसा आप कमाओगे पर इनिशियल ईयर में नहीं कमाओगे आपको एक्सपोनशियल ग्रोथ होगा पर सबसे ज्यादा बी में जरूरी है काम सीखना कॉलेज में सिंसियरली वर्क करना अच्छे से पढ़ाई करना तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे काफी लोग अपने सीनियर से क्या होता है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उनको लगता है कि बीडियोज़ में कुछ रखा नहीं है ये बहुत ज़्यादा मिसकनसेप्शन चल रहा है स्टूडेंट्स के अंदर अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सिंसियरली वीडियोज करे ना और सारा काम सीख जाए तो ही कैन डू वंडर्स आई नो पीपल जो कि महीने का दस लाख पंद्रह लाख बीस लाख पच्चीस लाख कमाते हैं मतलब कि सम सीनियर एज वेल तो मतलब कि इनिशियल फेज़ में आप मैं अगर आप मुझसे पूछो कितना मैं कमाता था देखिए इनिशियल मेरी पहले मंथ की कमाई पच्चीस हज़ार थी मुझे कुछ काम भी नहीं आता था उस टाइम पहले मंथ में बता रहा हूँ धीरे 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 वो आपकी बढ़ेगी पचास लाख हज़ार साठ हजार सत्तर हज़ार एक लाख डेढ़ लाख दो लाख ढाई लाख जी हाँ कोई लिमिट नहीं है आप एक इम्प्लान डालोगे एक दिन में उसका ट्वेंटी थाउजेंड है पंद्रह भी दे दे पेशेंट तब भी आपको फायदा ही है उसमें तो आप महीने के दो इम्प्लान डाल दो तो उसी में तीस हो गए और बाकी सारे आपके प्रोसीजर्स भी हैं हाँ पेशेंट्स कम आते हैं स्टार्टिंग में पर विद टाइम पेशेंट्स धीरे धीरे बढ़ते ही हैं आप किसी से भी पुराने प्रैक्टिशनर से पूछ लो सब यही बोलेंगे अगर किसी प्रैक्टिशनर से पूछो कि बी डी करो कि नहीं कोई बोलेगा नहीं मत करो पर इट्स अ वेरी गुड ब्रांच अगर आपको सिंसियरली उसमें सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है बहुत लोग इंजीनियरिंग में भी बहुत लोग मैं देखता हूँ कि कम एज में अच्छी जॉब लग जाती है लेकिन उनकी कम एज में अच्छी सैलरी भी होती है मतलब इस साल का पचास लाख चालीस लाख साल का ठीक है उनको सैलरी मिलता है स्टार्टिंग से ही तो वो लोग सब कुछ पहले कर लेते हैं और बी वाले जो उनके दोस्त लोग हैं कुछ नहीं कर पाते तो उनको थोड़ा इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन उसमें इन्फेरियर फील करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर्स की लाइन ही ऐसी है अगर आपने ये लाइन चूज़ किया है तो आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको इनकम लेट ही आएगी ऐसा नहीं कि आपने ज्वाइन किया आपको दो लाख तीन लाख रुपए सैलरी मिलेगा या फिर आप कमाल होगी उस टाइम पे टाइम लगेगा टिल द एज ऑफ थर्टी फाइव यू हैव टू स्ट्रगल थर्टी फाइव के बाद आप पैसा कमाना चालू करोगे अच्छे से ये था बी डी एस का करिकुलम पढ़ाई वढ़ाई अगर सीरियसली करोगे तो आराम से बी डी एस पास कर लोगे एम डी एस करना उतना जरूरी नहीं है लेकिन स्टिल इफ यू कैन डू इट इज एडेड एडवांटेज ऑन टू योर बायोडाटा और एक और वीडियो में डालूंगा कि कौन सी ब्रांचेज एम डी एस के लिए कौन सी अच्छी हैं वो भी मैं डालूंगा क्योंकि अभी नीट की काउंसिलिंग भी चल रही है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अगर आप पूछोगे मुझसे इन टोटो बी डी एस अगर आप बहुत ज़्यादा श्लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं और आप सोच रहे हैं कि आप बी करके बहुत कमालोगे अपने पेरेंट्स को इमीडिएटली हेल्प कर पाओगे दैट इज़ अ रॉन्ग नोशन आपको इन्वेस्ट और करना पड़ेगा क्लिनिक खोलने के लिए भी पैसा चाहिए दस बारह लाख चाहिए लोन लेके ज़्यादा लोन लेना भी ठीक नहीं है तो आप दूसरी लाइन के बारे में सोच सकते हैं दोज हु आर फ्रॉम अपर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास दे कैन जॉइन बी लेकिन स्ट्रगल हर ब्रांच में है क्लिनिक आपको खोलना ही पड़ेगा क्लिनिक खोलने के लिए भी पैसा चाहिए तो पैसा तो चाहिए स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट कोई भी हम बिजनेस करते हैं कोई भी हम पढ़ाई करते हैं अब एम में क्या है कि पढ़ लिया एम बन गए और एक मैंने प्रिस्क्रिप्शन पकड़ लिया और एक मैंने रूम देख लिया उसमें मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखना चालू कर दिया एक पेशेंट आया तीन सौ चार सौ पाँच सौ छः सौ जो भी आपकी फीस है देके चला गया तो आपने इमिडिएट इनकी इनकम आई लेकिन बी में ऐसा नहीं है काम सीखना जरूरी है आपको एक दांत निकालना नहीं आएगा रूट कैनल करना नहीं आएगा तो आप कमाओगे कैसे पहले पहले पेशेंट आएंगे समझ जाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता वो चले जाएंगे तो बी में क्लिनिक खोलना भी ऐसे जल्दी पॉसिबल नहीं है आपको पहले इंटर्नशिप करना होगा फिर किसी के अंडर काम करना होगा दो तीन साल टिल एंड बिकम वेरी कॉन्फिडेंट देन ऑनली यू ओपन योर ओन क्लिनिक आई होप यू अंडरस्टैंड कि इट वॉट इज इट इज अबाउट जॉइंग इन बी और आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आप मेरे इंस्टा चैनल को भी देख सकते हैं साई अंडर स्कू डेंटल मेरा इंस्टाग्राम आई डी है वहाँ पर मैं सारे ओवर रिलीजन्स के पिक्चर्स ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ टिल देन टेक केयर बाय लव यू लॉर्ड बाय